नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। तो आज 30 सितंबर और 30 सितंबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, जो आज की जो पहली खबर है वो प्राइमरी शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों के अवकाश की नई व्यवस्था, अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे मंजूर। दोस्तों, 1 अक्टूबर से प्राइमरी शिक्षकों के ऑफलाइन आवेदन नहीं मंजूर किए जाएंगे, अब इनको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा तभी इनको छुट्टियां मिलेंगी। और अगर फिर भी ऑफलाइन आवेदन करते हैं ये लोग तो इनके वेतन वह रोका जा सकता है। ठीक है, यही पूरी अपडेट दी गई है कि 1 अक्टूबर से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन जो अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक विभाग ने इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया था, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये व्यवस्था है जो शिक्षकों के लिए लागू की गई है, लेकिन आने वाले टाइम पर शिक्षा मित्र के लिए भी व्यवस्था लागू की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है शिक्षा मित्र के अवकाश भी पोर्टल पर मंजूर होंगे। शिक्षा मित्रों का डाटा अभी पूरा फीड किया जा रहा है तो इनके भी जो छुट्टियाँ होंगे, अवकाश होंगे, वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी शिक्षा मित्रों के बारे में न्यूज़ दी गई कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की तैयार होगी सर्विस बुक। सरकार का ने ऐलान किया हुआ है कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक, इन सभी की सर्विस बुक तैयार की जाए। ठीक है, सभी जिलों के जो BSC हैं उनको आदेश दिया जा चुका है कि शिक्षा मित्रों की कंप्लीट सर्विस बुक और अनुदेशकों की कंप्लीट सर्विस बुक तैयार हो। साल में कितनी छुट्टियां लेते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है, जैसे शिक्षक के लिए सर्विस बुक होते उसी तरीके से शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी सर्विस बुक तैयार करनी होगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये न्यूज है प्राथमिक विद्यालयों में लेकर। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी इलाहाबाद से कि यहाँ पर NGO पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ अपडेट दी। काफ़ी जो DLED छात्र हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं या कहें BSC हैं, उनकी तरफ से ये जो जारी किया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं नोटिस, कि यहाँ पर NGO पढ़ाएंगे, तो उसका यहाँ पर उसको निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया गया है कि NGO प्रथम शिक्षण संस्थान को बहादुरपुर एवं नगर क्षेत्र के 14 विद्यालयों में कक्षा 2, 4 एवं 5 के बच्चों को भाषण एवं गणित निःशुल्क पढ़ाए जाने से संबंधित दिया गया आदेश निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूलों में अब NGO नहीं पढ़ाएंगे। कुछ विद्यालय थे जहाँ पर सेलेक्ट किया गया था कि ये पढ़ाएंगे, काफ़ी इसका विरोध हुआ। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से ये सारी चीज़ें और खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये सारी जो लेटर था, जो शासनादेश था, उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो UPPSC को लेकर के अपडेट है कि बिना विवाद परीक्षा कराना UPPSC के लिए चुनौती। तो UPPSC की परीक्षा हो और विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यही दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बिना विवाद किसी भी परीक्षा का आयोजन चुनौती बन गया है। पिछले 5 वर्षों में आयोग की परीक्षाएँ लगातार विवादों में रही हैं। विवाद के कारण आयोग को कुछ परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े और इसके बाद भी विवाद थमा नहीं। दोस्तों, अभी हाल का ही उदाहरण है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का परिणाम जारी किया गया था और उसके बाद उसको रिजल्ट को संशोधित करना पड़ा, काफ़ी सारी इसमें समस्याएं थी। इसके बाद भी ये अभ्यर्थी अभी भी हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं आयोग पर और रिजल्ट पर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2010 की भर्ती, जो APS भर्ती या पर निजी सचिव भर्ती है, उसकी अभी तक CBI जांच चल रही है। तो मोस्टली जितने भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें या तो CBI जांच करती है या तो STF जांच करती है। आयोग ऐसा नहीं होता कि कोई परीक्षा क्लियर कट करवा ले। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर है, 15,000 कश्मीरियों के UP में नौकरी की तैयारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ गहरे रिश्ते बनाने का फैसला लिया हुआ है।
और इसी के तहत यूपी सरकार 15,000 कश्मीरी युवाओं को नौकरी देगी। ये जो नौकरियां होंगी प्राइवेट सेक्टर पर होंगी और यहां पर जो उन छात्रों को वरीयता दी जाएगी जो कश्मीर के हैं लेकिन यूपी में रहकर ही पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए वरीयता दी जाएगी। जैसे सपोज करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस समय लगभग 1400 कश्मीरी छात्र हैं वहाँ पर। इसी तरीके से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में करीब 3,000 छात्र हैं जो कि पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो प्रदेश के हिस्से हैं वहाँ पर भी कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को 15,000 छात्रों का चयन किया जाएगा और मतलब उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगली जो न्यूज है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के हैं, एडेड माध्यमिक स्कूलों में सभी खाली पद नहीं भरेगी सरकार। तो कल भी इसके बारे में अपडेट आया था और आज भी आया है कि सरकार अब सभी पद नहीं भरेगी। सर जितने 40,000 पद हैं सरकार को लग रहा है बहुत ज़्यादा पद हैं, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो इस वजह से सरकार क्या करे छटनी कर रही है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब टास्क फोर्स ये है कि विद्यालय स्तर पर जाएगी, वहाँ पर पता लगाएगी, जांच करेगी कि एक्चुअल में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, और कितने पद स्वीकृत हैं। दोस्तों होता ये है कि जितने स्कूल में पद स्वीकृत होते हैं उतने पदों पर भर्ती होती है टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। छात्रों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि छात्र तो पता चला इस साल कम है अगले साल बढ़ जाएंगे, तो इस हिसाब से स्वीकृत पदों के सापेक्ष भर्ती होती है। सरकार का कहना है कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष भर्ती नहीं होगी, छात्रों के आधार पर भर्ती होगी। जाहिर सी बात है बच्चे कई कई स्कूलों में काफ़ी कम है, तो ऐसे में काफ़ी पद यहाँ पर टीजीटी पीजीटी से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया है और कई लोग कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया ये मतलब एक तरीके से ठप हो जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिलहाल सरकार की तरफ से इसमें 5 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, आज 30 सितंबर है, 5 दिन में पूरा ब्यौरा देना है इसका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर आएगा होगा इसका, क्योंकि लास्ट अक्टूबर के लास्ट में फार्म आने हैं इसके, तो मुझे लगता है कि फार्म आएंगे, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया कि जहाँ छात्र संख्या कम वहाँ शिक्षकों की तैनाती नहीं, मतलब कम छात्र हैं तो वहाँ पर शिक्षक नहीं तैनात किए जाएंगे, ज़्यादा छात्र तभी शिक्षक तैनात किए जाएंगे। तो मान के 40,000 जो पद हैं ये 100% कम होने ही होने हैं। दैनिक जागरण में भी अपडेट दिया गया कि विद्यार्थियों की संख्या की जाँच को गठित होगी टास्क फोर्स। तो कुल मिलाकर के आज के सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आयुष्मान भारत को लेकर के अपडेट दी गई है कि इसका एक फर्जी लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और यहाँ पर कई तरह की भर्ती के लिए बताया जा रहा है कि डॉक्टर की भर्ती हो रही है, एएनएम, जीएनएम, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय, आयुष्मान मित्र, इस तरीके से भर्ती हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज के जो मतलब डीएम है उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है और बोला गया है कि भाई इस तरह से कोई भी भर्ती नहीं चल रही, आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना आएँ, अपना पैसा वैसा है जो सारी चीज़ें हैं बचा करके रखें सुरक्षित, कोई भी भर्ती इस तरीके से नहीं चले, ये सब फर्जी वाला किया जा रहा है जो इस तरीके से लेटर वायरल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए अपडेट है। अगली न्यूज़ की बात कर लें तो यहाँ पर न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर के चौथे चरण के इंटरव्यू के बारे में। यहाँ पर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चौथे चरण का जो कार्यक्रम है इंटरव्यू का उसका जल्द ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसके लिए रेडी रहें, जो चौथे चरण में आने वाले हैं काफ़ी जो इंटरव्यू है महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा पद जो है इसी में है। तो फिलहाल इसका इंटरव्यू कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है, अगले हफ्ते यानी नवंबर के पहले हफ्ते में जो इंटरव्यू है जारी किया जा सकता है। और अगली अपडेट बता देते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा लोअर पीसीएस की आज और कल है, 30 और 1 नवंबर को परीक्षा अपने निर्धारित समय से जो इसका तय समय था उसी समय पर हो रहा है, किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। तो आप लोग अपने अपने सेंटर पर समय से पहुँचें, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो वो न्यूज है
यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेजों में चपरासियों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परीक्षा से मिलेगी पदोन्नति। तो जितने भी राजकीय डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर कार्यरत जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इनको तृतीय श्रेणी में पदोन्नति देने के लिए सबसे पहले तो इनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के होने के बाद इनको 30 नंबर की लिखित परीक्षा कराई जाएगी, इस तरीके से इनको पदोन्नति दी जाएगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड के लिए खबर है, यूपी बोर्ड के प्रधानाचार्यों के लिए खबर है कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले प्रधानाचार्यों का इम्तिहान। दोस्तों क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है इलाहाबाद, यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ सामने निकल के आ रही फॉर्म मैंने रजिस्ट्रेशन ब्यूरो अपलोड करने में। वही दिया कि बीते सालों में फेल छात्रों के आवेदन में हुई गड़बड़ी को लेकर इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिषद यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले प्रधानाचार्य की परीक्षा लेगा, यानी जो प्रधानाचार्य ब्यौरा अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीज़ें प्रधानाचार्यों को चेक करनी होगी। अगर कोई चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ी नज़र की निकल गड़बड़ी मतलब मिलती है तो प्रधानाचार्य इसके दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि हमने 2003 से लेकर के 2019 तक सभी विद्यार्थियों का विवरण अपलोड कर दिया है साइट में, आप लोग चेक करके अच्छी तरीके से ये जो फेल छात्र हैं उनका ब्यौरा अपलोड करें। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की प्रमुख खबरें थी। आई होप को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।